दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग। शासन द्वारा हाईवे पे रास्ते बनाकर टोल प्लाजा के माध्यम से रोड टैक्स वसूल किया जा रहा है ताकि रोड पर हुए खर्च की रकम सरकारी खजाने में जमा हो सके। सरकार ने हाईवे की सुविधा के साथ कुछ नए नियम लागू किए हैं। इसमें टोल प्लाजा पर किसी भी वाहन का समय व्यर्थ ना हो इसलिए फास्टैग की सुविधा को अनिवार्य बनाया गया है। आने जाने वाले वाहन धारक फास्टैग की सुविधा की दृष्टि से अपने पेटीएम खाते में फास्टैग की राशि जमा करते हैं और टोल प्लाजा से वाहन गुजरने के समय उसमें से पैसे कट जाए। किंतु यदि कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरे बगैर ही उसके टोल के पैसे यदि कट जाए तो यह ग्राहक की लूट ही कही जाएगी। ऐसा ही एक प्रकार पुलगांव के स्वर्ण व्यवसायी सुधीर बांगरे 15 अगस्त को पुलगांव अपने घर पर ही थे और उनकी गाड़ी वाहन क्रमांक MH 32C 6202 उनके निवास हरिराम नगर पर ही खड़ी थी। इसके बावजूद भी उनके फास्टैग खाते के पांडरकौड़ा के अदिलाबाद रोड पर स्थित पीपलवाड़ा टोल प्लाजा से पैसे कटने की सूचना मोबाइल पर सुधीर बांगरे को मिली। इस प्रकार की घटना से यह शंका निर्माण होती है कि कहीं फास्टैग के द्वारा लोगों की लूट का गोरख धंधा तो नहीं चल रहा है। ये मेरा गाड़ी क्रमांक MH 32C 6202 ये क्रमांक है मेरे गाड़ी का। 15 अगस्त की बात है, शाम 6:30 बजे मुझे मैसेज आया मोबाइल पे कि पैसे कट गए 85 रुपीज़। मैंने डिसाइड किया कि गाड़ी तो मेरी घर में थी 3-4 दिन से। मैंने बाहर जाके देखा, मेरी गाड़ी खड़ी थी, चेक किया तो फास्टैग भी था, गाड़ी भी थी बरोबर। फिर मैसेज आया कि पांडरकौड़ा और आदिलाबाद के बीच में एक पीपलवाड़ा करके गाँव है। रिसर्च करने के बावजूद तो ख्याल में आया, तो ये पैसे कैसे क्या करते हैं, एक प्रकार की लूट मुझे ऐसी लग रही, ये कैसे क्या हो रहा, इसकी छानबीन होना चाहिए। महाराष्ट्र TV 24 के लिए संतोष देशमुख, वर्धा।